आरबीएससी राजस्थान बोर्ड क्लास 10 गणित सब्जेक्ट के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपका स्वागत है समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने एक टॉपिक के बारे में चर्चा की थी, ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि हमने उसके सवाल वगैरह सॉल्व नहीं किए थे, हमने उसके बेसिक्स, उसके फॉर्मूला, उनको प्रूव किया था। तो इसी टॉपिक पर हम आज आगे चर्चा करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा टॉपिक होता है। ये टॉपिक मैथ्स की एक बहुत अच्छी ब्रांच है और प्रीवियस क्लासेस में तो कह नहीं सकते, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में ये आपके बहुत काम आएगा। तो आज इसका बेस यहीं से क्लियर करते चलिए। सबसे पहले बात करते हैं, हमने कल त्रिकोणमिति में कुछ फॉर्मूलाज प्रूव किए थे, जिनमें फर्स्ट था भुजा अनुपात। इसमें हमने फर्स्ट जो प्रूव किया था वो किया था भुजा अनुपात, ठीक है। सेकंड हमने उसे कहा था संबंध, रिलेशन, या हम इसे दूसरे नाम से जानते हैं व्युत्क्रम अनुपात। थर्ड हमने जो सिद्ध की थी वो थी सर्वसम्मिय। एक बार इनके बारे में फिर से थोड़ी सी जनरल से चर्चा कर लेते हैं। भुजा अनुपात यानी हमने एक कोड नेम लिया था लाल बटा कपड़ा, और इससे हम निकाल सकते थे कि साइन का जो अनुपात होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, कोस का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण, टैन का अनुपात होता है लंब बटा आधार, कोट का अनुपात होता है आधार बटा लंब, सेक का अनुपात होता है कर्ण बटा आधार, और कोसेक का अनुपात होता है कर्ण बटा लंब। ये प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो एक बार प्लीज आप वापस प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। उसके बाद संबंध की बात करूँ तो संबंध में मैंने तीन मेजर फॉर्मूले बताए थे कि साइन थीटा, थीटा का मतलब न्यून कोण होता है, कोण होता है, साइन थीटा को 1/ कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोस थीटा को 1/ सेक थीटा लिख सकते हैं, और टैन थीटा को 1/ कोट थीटा लिखा जा सकता है। उसी तरह दो स्पेशल रिलेशन हमने कहा था, टैन थीटा को हम साइन थीटा / कोस थीटा भी लिख सकते हैं, और कोट थीटा को हम कोस थीटा / साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये मेजर फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए थे, हालांकि इनका मॉडिफाइड वर्जन भी बताया था मैंने आपको कि इन फॉर्मूलाज को मॉडिफाइड कैसे किया जा सकता है, इनको दूसरे तरीके से किस प्रकार से लिखा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं सरल समीकरण। तो हमारे पास तीन मेजर सरल समीकरण हैं, जिसमें फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेकंड है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, थर्ड है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये तीन सरल समीकरण हमारे बहुत काम आती है और इन्हीं के थ्रू हम सरल समीकरणों को सॉल्व करते हैं, प्रूव करने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको इनका मॉडिफाइड वर्जन भी बताया था पिछले प्रीवियस वीडियो में कि साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा को हम किस तरह से लिख सकते हैं, कोसेक कोस स्क्वायर थीटा को किस तरह से लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा को किस तरह से लिख सकते हैं। तो एक बार अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा देख लीजिए, क्योंकि आगे वाली चीज बिना प्रीवियस बेस के कंप्लीट नहीं हो सकती। अब फिलहाल हम बात कर रहे हैं हम, हमारे टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। हम इसी के बारे में बात करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात एक्चुअली भुजा अनुपात से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है, उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, जिसे हम त्रिकोणमितीय सारणी भी कहते हैं, त्रिकोणमितीय मान सारणी भी कहते हैं, वैल्यू टेबल भी कहते हैं। इस वैल्यू टेबल का यूज हम ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए करते हैं, जिनमें पर्टिकुलर एक
वैल्यू थीटा की एक वैल्यू हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के साथ में दी गई हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सारणी की, यानी इसे हम अनुपात सारणी के नाम से जानते हैं, अनुपात सारणी के नाम से जानते हैं। अनुपात सारणी में कुछ ब्लॉक्स बनेंगे उसकी हेल्प के लिए मैं। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करें थे ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी की, त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिकोणमितीय सारणी किस प्रकार से बनाई जाती है। आरबीएससी की बुक में ये पूरी एक यूनिट है, यूनिट नंबर 6, और एनसीईआरटी में भी ये टेबल बड़ी काम आती है। तो चेक करते हैं सारणी किस प्रकार से होती है। सबसे पहले हमें इस तरह के ब्लॉक्स बनाने हैं जिसमें सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ डिग्री, या हम दूसरे तरीके से लिखे रेडियन, रेडियन माप। देखो एंगल्स को दो मापों में निकाल सकते हैं, आप क्लास 9 पढ़ कर आए हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डिग्री माप भी होता है, रेडियन माप भी होता है, एक ग्रेड माप भी होता है। ग्रेड माप को अब एंगल को ग्रेड माप में यूज नहीं किया जाता, बहुत कम जगह यूज किया जाता है, लेकिन अधिकतर जगह डिग्री और रेडियन माप में यूज किया जाता है। तो हमारे पास में कुछ पर्टिकुलर फिक्स डिग्रीज हैं। सबसे पहले 0 डिग्री, इसके बाद में बात करेंगे 30 डिग्री, 30 के बाद में 45 डिग्री, 45 के बाद में 60 डिग्री, 60 के बाद में 90 डिग्री। ये जो पांच एंगल हैं किसी भी ट्राइंगल, सपोज करो हमारे पास में यहाँ एक ट्राइंगल है, मेरा ट्राइंगल यहाँ मैं एक सपोज कर देता हूँ थीटा है, इस ट्राइंगल को नेम दे देता हूँ ABC। तो अगर ये थीटा 0 डिग्री हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो या 90 डिग्री हो, इस थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 0 डिग्री हो सकती है, 30 डिग्री हो सकती है, 45 डिग्री हो सकती है, 60 हो सकती है, और 90 डिग्री अगर हो तो इनकी इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, यानी कौन कौन सी भुजाएं, अब थीटा यहाँ है तो ये लंब हो गए, ये कर्ण हो गई 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, और ये आधार। इन भुजाओं के बीच में कौन सा रेशियो बनेगा वो पर्टिकुलर हमें निकाल कर दिया होगा। अब इस टेबल को हम किस प्रकार से बनाएंगे तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले डिग्री की माप करते हैं, तो 0 डिग्री का रेडियन माप 0 होता है, 30 डिग्री का रेडियन माप पाई बाय 6 होता है, 45 का पाई बाय 4 होता है, 60 का पाई बाय 3 होता है, 90 का पाई बाय 2 होता है। ये हमारे रेडियन माप और डिग्री, ठीक है। अब हमें पर्टिकुलर जैसे अनुपात हम लेते हैं साइन कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हमें इन्हें पर्टिकुलर, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की पर्टिकुलर इन 5 एंगल्स पर जो वैल्यू दी हुई है उसकी टेबल को किस प्रकार से बनाएंगे चलो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ हिंट। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम साइन की लाइन बना लेते हैं, साइन की लाइन बना लेते हैं, तो ये टेबल इस फॉर्मूले से आप पूरी बना सकते हैं। तो बेटर ये, कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट क्या करते हैं, साइन की लाइन को रट्टा मार देते हैं, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो साइन की लाइन चाहिए होती है। अगर हिंट की बात करनी है तो साइन की लाइन को भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिखिए 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इन सब के अपॉन में लगा दो 4, 4, 4, 4 एंड 4, और इन सब के साथ लगा दो स्क्वायर, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ये हिंट है, ये हेड किसकी लाइन बना देगी आपकी, ये साइन थीटा की लाइन बना, साइन थीटा की लाइन को आप बड़े आराम से बना सकते। अब कैसे बनाएंगे, देखो साइन थीटा के 0 डिग्री पर हमारी हेड है √0/4। अब यहाँ देखो, अगर हम किसी भी नंबर का भाग 0 में लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 0। अच्छा, स्क्वायर रूट की बात करूँ तो 0/√0, ठीक है। इसके साथ दो फार्मूले और याद रखो,
एन बाय जीरो इक्वल्स टू होता है इन्फिनिटी, यानी कि अगर किसी नंबर में हम जीरो का भाग लगा रहे हैं तो उसका आंसर होगा इन्फिनिटी, और जीरो बाय एन इक्वल्स टू जीरो, यानी जीरो में किसी नंबर का भाग लगाया जाए तो उसका मतलब होता है जीरो, लेकिन किसी नंबर में जीरो का भाग लगाया जाए तो उसका मतलब होता है इन्फिनिटी। अब यहां से चेक करो, साइन का जो हमने जीरो डिग्री का हिंट लिया था वो लिया था अंडर रूट जीरो बाय फोर, फोर से जब मैंने जीरो को डिवाइड किया तो मेरा आया जीरो, और जीरो का स्क्वायर रूट होता है जीरो, तो साइन जीरो डिग्री की वैल्यू होती है साइन जीरो डिग्री की वैल्यू होती है जीरो। तो आइडिया लग गया होगा आपको हिंट से हम साइन की लाइन कैसे बना रहे हैं। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड है हमारे पास में अंडर रूट वन बाय फोर, से वन को डिवाइड नहीं कर सकते, करेंगे तो भी पॉइंट में आएगा, हमें पॉइंट चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे हम इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब वन का स्क्वायर रूट होता है वन और फोर का स्क्वायर रूट होता है टू, तो साइन थर्टी डिग्री की वैल्यू वन बाय टू आई, ठीक है अकॉर्डिंग टू हिंट। अब उसके नेक्स्ट में चलते हैं, हमारे पास में है रूट टू बाय फोर, देखो टू और फोर दोनों टू की टेबल में आते हैं तो हम इसे कट करके वन बाय टू लिख, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको डिवाइड कर सकता हूँ लेकिन वो पॉइंट में वैल्यू जाएगी, मुझे पॉइंट में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा स्क्वायर रूट ही निकालूंगा, तो वन बाय स्क्वायर रूट वन होता है और टू बाय स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो पॉइंट में आएगा फिक्स नहीं निकाल सकते, तो हम उसे रूट टू लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू वन बाय रूट, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाय रूट। इसी के साथ में हम नेक्स्ट हिंट की बात करें तो हमारी नेक्स्ट हिंट जो है वो है हमारे पास में रूट थ्री बाय फोर, देखो ये भी डिवाइड नहीं होता, रूट थ्री बाय फोर भी डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो रूट थ्री का स्क्वायर रूट पॉइंट में आता है इसलिए उसको रूट थ्री ही रहने दिया, और फोर का स्क्वायर रूट होता है टू, तो हमारे लिए यहाँ पर साइन चेक कर लो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है रूट थ्री बाय टू, ठीक है। अब इसके बाद में और हिंट की बात करें, लास्ट हिंट की बात करें तो लास्ट हिंट होती है रूट फोर बाय फोर, अंडर रूट फोर बाय फोर। अब फोर बाय फोर को हम चाहें तो अंडर रूट वन बाय वन भी लिख सकते हैं और अंडर रूट वन भी लिख सकते हैं, अंडर रूट वन की वन का स्क्वायर रूट होता है वन, तो हम यहाँ पर 90 डिग्री की वैल्यू कितनी कर देंगे वन, तो यहाँ देखो ये साइन की लाइन कंप्लीट होगी। अब इस लाइन का फिर से मतलब समझो कि साइन की जीरो डिग्री पर वैल्यू होती है जीरो, 30 डिग्री पर वन बाय टू, 45 पर वन बाय रूट टू, 60 पर रूट थ्री बाय टू एंड 90 पर वन, ठीक है। अगर यहाँ पर एंगल, इस ट्रायंगल में एंगल मुझे इनमें से कोई सा भी दिया हुआ है तो साइन जो होता है उसका भुजा अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, तो मैं लंब बटा कर्ण दोनों का अनुपात निकाल सकता हूँ दिया हुआ है। अब इसके बाद में बात करते हैं कोस की लाइन की, तो कोस की लाइन मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या कहा था, अगर साइन की लाइन बन गई तो पूरी टेबल बन जाती है। अब कोस की लाइन कैसे बनाएंगे, कोस की लाइन के लिए जो साइन की लाइन है इसी को उल्टा करके लिख दो, यानी वन लास्ट में आ रहा है फर्स्ट में लिख दिया, फिर रूट थ्री बाय टू, ठीक है सेकंड लास्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार्ट सेकंड में आ गया, वन बाय रूट टू अगेन वन बाय टू एंड जीरो, इसी लाइन को रिवर्स करके कोस के लिए, ठीक है ना। तो हम इसकी हिंट यहाँ पर भी लिख देता हूँ ताकि आप अभी अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये तो हमने हिंट से बनाई, ठीक है। यहाँ पर हमने साइन थीटा की लाइन को पलट दिया, साइन थीटा की लाइन को पलट दिया, ठीक है। अब इसके बाद में चेक करते हैं टैन थीटा, तो टैन के लिए जो मेरे पास में हिंट है या टैन की लाइन जो मैं बनाऊंगा उसके लिए मैं टैन के रिलेशन को यूज करूंगा, स्पेशल रिलेशन, टैन थीटा का स्पेशल रिलेशन होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो देखो साइन की वैल्यू भी है मेरे पास में और कोस की वैल्यू भी है मेरे पास में, तो यहाँ से हम चेक करते हैं इसको कि हमने कहा टैन थीटा की अगर मुझे लाइन बनानी है तो टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब चेक करते हैं, सबसे पहले मैं टैन जीरो डिग्री की वैल्यू निकाल दूँ, तो टैन जीरो डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए मुझे साइन जीरो डिग्री बाय कोस जीरो डिग्री,
अब साइन जीरो डिग्री की वैल्यू को देखें वो कितनी है जीरो, कोस जीरो डिग्री की वैल्यू को देखें वो कितनी है वन। अब चेक कर लो जीरो बाय एन यानी जीरो में किसी भी संख्या का भाग लगाऊंगा आंसर क्या आएगा जीरो, तो मेरा यहाँ पर टेन जीरो डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई जीरो। ठीक है, अब इसी के साथ में वापस से चेक करते हैं कि अगर मुझे टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा साइन थर्टी डिग्री बाय कोस थर्टी डिग्री। अब साइन थर्टी डिग्री की वैल्यू यहाँ से चेक कीजिए साइन थर्टी डिग्री कितना आ रहा है वन बाय टू। ठीक है, कोस थर्टी डिग्री कितना आ रहा है रूट थ्री बाय टू। अब भिन्न संख्या के बटा में भिन्न संख्या नहीं चलेगी तो हम क्या करेंगे इसका वर्ग गुणा कर देंगे तो वन बाई टू ऐसा कैसा आ गया, लेकिन नीचे वाली भिन्न संख्या को पलट दिया और डिवाइड की जगह क्या कर दिया गुणा कर दिया तो टू से टू कैंसिल हो गया हमारे पास बच गया वन बाय वन ऊपर और रूट थ्री नीचे। तो यहाँ पर टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू वन बाय रूट। ठीक है, अब इसके बाद में आगे बात करते हैं tan 30 डिग्री बाद में जैसे ही मुझे tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो मैं sin 45 डिग्री की वैल्यू में cos 45 डिग्री की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है और cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2। चेक कर लो sin 45 डिग्री 1/√2 cos 45 डिग्री 1/√2। अब ये दोनों सेम क्वांटिटी है तो हम चाहे तो 1/√2 रूट टू बाय वन क्या किया भिन्न संख्या भाग नहीं लगाती वर्ग गुणा कर दिया नीचे वाली संख्या को पलट कर गुणा कर दिया रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया वन बाय वन और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वन। तो यहाँ पर टेन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह वापस अगर मुझे टेन 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी टेन 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी तो साइन 60 डिग्री बाय cos 60। अब sin 60 डिग्री की वैल्यू चेक करो sin 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2। चेक करो sin 60 डिग्री √3/2 cos 60 डिग्री 1/√2 तो cos की वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है, अब वही बात हो गई भिन्न संख्या के बटा में भिन्न संख्या नहीं चलेगी तो √3/2 नीचे वाली संख्या को पलट देंगे और वर्ग गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया क्या बच गया √3/1 और √3/1 को हम लिख सकते हैं √3/1 को हम लिख सकते हैं √3। तो यहां पर मेरे पास tan 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3। ठीक है, अब tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 आने के बाद में हम tan 90 डिग्री की वैल्यू की बात करते हैं। tan 90 डिग्री की वैल्यू का मतलब हो गया हमें sin 90 डिग्री बाय cos 90 डिग्री चाहिए। अब sin 90 डिग्री की वैल्यू देखेंगे तो sin 90 डिग्री उसकी वैल्यू 1 cos 90 डिग्री उसकी वैल्यू 0। अब चेक कर लो n बाय 0 यानी हम 0 का किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होना चाहिए इनफिनिटी। इनफिनिटी यानी अनंत होना चाहिए यानी ये परिभाषित नहीं अपरिभाषित है। तो यहाँ हमारे पास में अभी tan की है तो देखो sin की लाइन से ही हिंट से मैंने sin की लाइन बनाई sin से cos की बन गई और इन दोनों की हेल्प से tan की बन गई। अब हम बात करते हैं cot की तो cot की लाइन बनाने का भी वही प्रोसेस है जो हमने cos का बनाया था सिर्फ इसमें हमें क्या करना है इसमें हमें tan थीटा की लाइन को पलट दिया tan थीटा की लाइन को पलट दिया। लाइन को पलटने का मतलब जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में ले आओ तो यहां से चेक करो लास्ट में इंफिनिटी है फर्स्ट में ले आया फिर सेकंड लास्ट पर उसके पास √3 है मैं यहां स्टार्ट सेकंड पे ले आया √3 फिर 1/√3 एंड 0। ये हमारी cot की लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे चर्चा करते हैं tan की लाइन के बाद में हमें जो लाइन बनानी है वो है sec। देखिए sin बन गई cos बन गई tan बन गई cot बन गई और अब बचती बच रही है sec और cosec। तो सबसे पहले sec की लाइन बनानी है तो sec की लाइन बनाने के लिए या तो हम यूज करें
1/4। देखो रिलेशन होता है ना सेक का, सेक का संबंध या सेक की भुजा अनुपात, सॉरी सेक का व्युत्क्रम अनुपात या सेक का संबंध, आप कुछ भी कर लो, ये रिलेशन हो गया। तो हम कोस की वैल्यू हमारे पास में है तो हम सेक की लाइन बना सकते हैं। बेटर वे हम दूसरा तरीका यूज भी कर सकते हैं, इसके लिए हम कितना सा कहते हैं भाई कोस की वैल्यूज को पलटते जाओ, कोस की वैल्यूज को पलटते जाओ। लेकिन फिलहाल हम यहीं से समझते हैं, जैसे मुझे सेक 0 डिग्री चाहिए तो 0 डिग्री लिए मुझे 1/cos 0 डिग्री चाहिए। अब चेक करते हैं 1/ और cos 0 डिग्री की वैल्यू, तो यहां से चेक करो cos 0 डिग्री वैल्यू कितनी है 1, और 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं 1। तो हमारे sec 0 डिग्री पर वैल्यू आ गई 1, sec 0 डिग्री पर वैल्यू क्या है 1। उसी तरह वापस से बात करते हैं, अगर मुझे sec 0 डिग्री की वैल्यू तो मिल गई, अब मुझे sec 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 1/cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू देखें तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2, यानी मुझे यहां राइट डाउन करना पड़ेगा 1/√3/2। अब नीचे भिन्न संख्या है, भाग नहीं लगाएगी, तो क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2/√3, ठीक है ना। नीचे वाली संख्या को पलट कर गुणा कर दिया तो 1 × 2 = 2 हो गया 2/√3। तो sec 30 डिग्री की वैल्यू मेरे पास में आ गई 2/√3, sec 30 डिग्री 2/√3। अब इसी तरह वापस से अगर मुझे sec 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे sec 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा cos equals to 1/cos 45 डिग्री। अब 1/cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की वैल्यू है 1 ऑलरेडी आ रहा है मेरे पास में, तो cos और 45 डिग्री और उसकी वैल्यू 1/√3, ठीक है। फिर वही बात होगी कि भिन्न संख्या भाग नहीं लगाती, तो हम भिन्न संख्या को पलट देंगे और क्या कर देंगे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × 2 √2 हो जाएगा, √2/1, या हम इसको क्या लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं। तो हमारे लिए sec 45 डिग्री की वैल्यू हो गई √2, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं आगे, 45 के बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो sec 60 डिग्री की वैल्यू के लिए 1/cos 60 डिग्री करना पड़ेगा। अब cos पे आओ, cos पर 60 डिग्री और उसकी वैल्यू 1/2, यानी मुझे क्या लिखना पड़ेगा 1 ऑलरेडी है मेरे पास और cos 60 की वैल्यू 1/2। अब भिन्न संख्या भाग नहीं लगाती, तो 1 × 2/1 कर दिया बृजगुणा, तो हम क्या करेंगे अब इसे 2/1, 1 × 2 = 2 हो गया 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो हमारे लिए sec 60 डिग्री की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब इसके बाद में चेक करते हैं, sec 60 के बाद में हमें वैल्यू चाहिए sec 90, तो sec 90 डिग्री की वैल्यू लाने के लिए मुझे 1/cos 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। अब 1 ऑलरेडी है और cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री और उसकी वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। तो यहां आकर ये फार्मूला काम आ गया n/0, यानी कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 का भाग देते हैं तो हमारा आंसर होता है अनडिफाइंड इंफिनिटी या अपरिभाषित, कुछ भी कह दो, अनंत कह दो, ये हो गया अनंत, ठीक है ना। इसको कहा जाता है अनंत। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर sec की लाइन बन गई, तो sec के लिए हमने कौन सा प्रोसेस यूज किया, हमने कहा sec theta equals to 1/cos theta, sec theta equals to 1/cos theta, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं, हमारे पास सिर्फ एक लास्ट लाइन रह गई है, वो है cosec, और cosec की लाइन को बनाने के लिए हमें वही सेम प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, हम यहाँ पर sec की लाइन को पलट कर देंगे। cos में हमने क्या किया, sin की लाइन को पलट दिया, cot में क्या किया, tan की लाइन को पलट दिया, cosec में क्या कर रहे हैं हम, sec की लाइन को पलट रहे हैं। अब sec की लाइन को पलट रहे हैं तो sec के सबसे लास्ट में इंफिनिटी है, स्टार्टिंग में आ गया, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर 1, sec की लाइन को पलट कर लिख दिया। तो यहां हमने क्या किया, sec थीटा की लाइन को पलट। तो ये हिंट्स भी हैं आपके पास में कि आप इस टेबल को कैसे बनाएंगे,
और आई होप समझ में आया होगा, और नहीं भी आया तो आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए इसकी। हैंड्स मैंने सारी यहाँ पर लिखी हुई है, ऊपर भी लिखी हुई है, इधर भी लिखी हुई है कि हर लाइन किस तरह से बन रही है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि हर लाइन को किस तरह से बनाना है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और इवन इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि यह हिंट वगैरह बाद में लिखें लिखें ना लिखें इसकी हमें जरूरत ना पड़े। हम केवल डिग्री वैल्यूज और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को लिख कर ये टेबल, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इसमें हिंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। ये टेबल हम विद इन 45 सेकेंड या उससे कम टाइम में बना सकें। तो आप इसकी इतनी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। ये 3 यूनिट्स में आपके काम आएगी। आरबीएससी की बुक 6, 7 और 8 तीन यूनिट्स में ही आपके काम आएगी। तो आप प्लीज इस टेबल की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अनुपात सारणी से संबंधित थोड़े से सवाल देख लेते हैं कि इस सारणी से आने वाले सवाल किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं। फर्स्ट लिखा है 2 sin 45 degree cos 45 degree, सेकंड लिखा है cos 45 degree dot cos 60 degree minus sin 45 degree sin 60 degree। सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है वो ये कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के बीच में कोई भी मार्क नहीं लगा हुआ है, प्लस माइनस या डिवाइड, तो हमेशा यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन होता है, यानी हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना। अब इसके आगे से चेक करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले इन सवालों को करने से पहले मैं आपको कैलकुलेशन के दो रूल समझा देता हूँ। पहला रूल होता है बॉड मास रूल, यानी अगर आप किसी सीक्वेंस को, सीरीज को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये रूल अप्लाई करना होता है। इसको कहा जाता है बॉड मास रूल। बॉड मास रूल में बी को सिंपल वे में समझा रहा हूँ, बी को का मतलब होता है ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन का मतलब अगर हम हिंदी में कहें तो पोस्टर खोल। सबसे पहला काम किसी भी कैलकुलेशन में हमारा क्या हुआ, कोष्टक को खोलना। कोष्टक देखो तीन तरह के, मेनली आपके कोर्स में कोष्टक तीन तरह के होंगे, स्मॉल, बिग और मीडियम। स्मॉल, बिग और मीडियम, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आपको स्मॉल खोलना पड़ेगा, सेकंड नंबर पर आपको मीडियम खोलना पड़ेगा और थर्ड नंबर पर आपको बिग खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम किसी भी सीक्वेंस में अगर आपको सीक्वेंस को सॉल्व करना है, सीरीज को सॉल्व करना है, तो आपको बॉड मास रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और बॉड मास रूल अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे। ब्रैकेट ओपन कैसे होंगे, ब्रैकेट के अंदर की जो कैलकुलेशन है, जैसे सपोज कर लो मेरे पास में कैलकुलेशन है जैसे 5 + (small)(2-1), तो मैं इसको अगर कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मैं सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को खोलूंगा। तो स्मॉल ब्रैकेट को खोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2 - 1 कितना होता है 1, तो यहाँ आ गया 1, अब ये हो गया आंसर 6। अरे बात समझ में, तो ये होता है ब्रैकेट ओपन। अब इसके बाद में बात करते हैं ब्रैकेट ओपन के बाद में सेकेंड नंबर पर डी। डी का मतलब होता है डिवाइडेशन। डिवाइडेशन का मतलब हिंदी में कहा जाए तो भाग दीजिए, लेकिन जब तक पॉसिबल हो, भार जब तक पूरा जा रहा हो, डिवाइडेशन पूरा हो रहा हो, एग्जैक्ट हो रहा हो, तो ही दीजिएगा। पॉइंट्स में लाने की कोशिश मत कीजिएगा यहाँ पर इन पर्टिकुलर। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। यदि किन्हीं दो नंबर के बीच में, अगर हमारे पास में कोई दो नंबर या दो डिजिट के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो हम सबसे पहला काम मल्टीप्लाई करने का करेंगे। जैसे सपोज करो मेरे पास में 1 + 2 × 2 + 1 है, तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यानी मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो 1 + 4 + 1 क्या किया मैंने, पहले मल्टीप्लाई किया, तो 1 + 4 = 5, 5 + 1 = 6, ये हो गया हमारा आंसर 6, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास में मल्टीप्लाई साइन के लिए दो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना। उसके बाद में हमारा काम A, A का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब हो गया जोड़ना। तो जोड़ने का काम गुणा के बाद करना है। और फिर S, S यानी सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। और घटाने का काम हमें सबसे लास्ट में करना है। तो ये है बॉड मास रूल। और बॉड मास रूल के लिए, बॉड मास रूल को अप्लाई किए बिना आप किसी भी सिक्वेंस को या सीरीज को सॉल्व मत कीजिए, ठीक है। और उसके बाद में कॉमनली जो होता है
इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं की कैलकुलेशन में भी, अपरिमेय संख्याओं की कैलकुलेशन में भी कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे हमने कहा रूट टू या रूट थ्री या रूट फाइव, रूट सेवन, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जो स्क्वायर रूट, जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता प्रॉपर, एक फिक्स डिजिट पे स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, इस तरह की संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। इन अपरिमेय संख्याओं की की कैलकुलेशन में भी क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने बेसिक सवाल करना शुरू कर देंगे। जैसे सपोज करो मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ, जोड़ लो, सपोज करो मैंने आपको एक आंसर दिया रूट थ्री प्लस रूट टू, अगर मुझे इसे जोड़ना है तो मैं इसे जोड़कर किसी भी हालत में रूट फाइव नहीं लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, आप इसको जोड़ नहीं सकते, क्यों, ये दोनों रूट के साथ अलग अलग संख्या है। हाँ, इसकी जगह अगर मैं आपको कह दूं रूट फाइव प्लस रूट फाइव, तो हम इसको जोड़कर टू रूट फाइव लिख सकते हैं। अब वो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से चेक करो, इन दोनों के पास में रूट फाइव है, यानी हमारे पास में रूट फाइव प्लस रूट फाइव है, दोनों सेम डिजिट है, सेम डिजिट को जोड़ना है, दोनों के पास रूट फाइव है, रूट फाइव को कॉमन कर लिया, तो रूट फाइव कॉमन करते ही पहले की जगह वन बच गया प्लस दूसरे की जगह भी वन बच गया, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू, यानी कि रूट फाइव इंटू टू, और रूट फाइव इंटू टू को हम टू रूट फाइव लिख सकते हैं। आगे बात, तो जब तक डिजिट सेम नहीं है और स्क्वायर रूट मार्क के साथ में है तब तक हम डिजिट्स को ऐड नहीं कर सकते। आप ऐसे भी नहीं कर सकते, जैसे सपोज करो थ्री प्लस रूट टू है, थ्री प्लस रूट टू को भी आपने ऐड करके अगर थ्री रूट टू लिख दिया तो ये रॉन्ग है, ये गलत है, आप इसका भी कुछ नहीं कर सकते, आप इसको भी ऐसे ही छोड़ेंगे, ठीक है। ये होता है रूट संख्याओं को जोड़ने का, यानी स्क्वायर रूट, अगर ऐसे डिजिट जिनको ऐड करना हो जिनका स्क्वायर रूट मार्क में यानी कि वर्गमूल का मार्क है तो हम उन्हें इसी प्रकार से जोड़ते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं घटाने की, तो घटाने में भी सेम प्रोसेस ही है कि अगर रूट थ्री माइनस रूट टू है, कई बुक्स कई नोटबुक्स मैंने ऐसी देखी हैं जिनमें स्टूडेंट्स ने इसे रूट वन कर दिया, तो ये गलत है। जब तक रूट डिजिट्स इक्वल नहीं होंगी तब तक हम इसे घटा नहीं सकते, तो हम इसका भी कुछ नहीं कर सकते, हमें इसे भी इसी हाल में छोड़ना होगा, ठीक है। रूट या सपोज कर लो अब मेरे पास में रूट फाइव है, जैसे सपोज कर लो रूट फाइव माइनस रूट फाइव है, तो मैं इसको जरूर सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और इसको मैं जीरो लिख सकता हूँ, क्यों, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और दोनों सेम डिजिट है, सेम डिजिट है स्क्वायर रूट के साथ, तो हम इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम इसको कितना कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। इसी तरह रियल नंबर हो कोई जैसे थ्री माइनस रूट टू, तो हम इसका भी कुछ नहीं कर सकते, हम इसको भी घटा नहीं सकते, ठीक है। अब इसके आगे चेक करते हैं घटाने के बाद में, घटाने के बाद में हम चर्चा करते हैं गुणा की। गुणा में आप सपोज कर लो रूट टू इंटू रूट थ्री है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके रूट सिक्स चेक करते हैं, हमने कहा गुणा, गुणा में सपोज कर लो मेरे पास रूट टू एंड रूट थ्री अगर मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट सिक्स लिख सकता हूँ। सपोज वापस से एक बार देख लेते हैं, जैसे मान लो रूट थ्री इंटू रूट थ्री है, तो मैं इनको भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इनको मैं रूट नाइन लिख सकता हूँ और रूट नाइन का स्क्वायर रूट होता है थ्री, ठीक है। अब इसके आगे अगर मैं बात करूँ, जैसे सपोज करो मेरे पास में टू इंटू रूट सेवन, टू इंटू रूट सेवन है, तो मैं इसे टू रूट सेवन ही लिख सकता हूँ, मैंने क्या किया सिर्फ मल्टीप्लाई मार्क हटा दिया दोनों के बीच में से, फिर भी ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में ही। तो गुणा जो है अपरिमेय संख्याओं को कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है, फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर अलग अलग डिजिट्स हैं स्क्वायर रूट मार्क के साथ में, तो हम उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट मार्क के साथ लिख सकते हैं, सेम डिजिट्स हैं तो भी हम उनको गुणा करके स्क्वायर रूट मार्क के साथ लिख सकते हैं, और सेम डिजिट्स एक्चुअली क्या होती हैं, उसी डिजिट में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे फिर से एक बार मैं चेक कर लेते हैं कि मान लो मेरे पास में रूट फाइव इंटू रूट फाइव है, रूट फाइव इंटू रूट फाइव यानी फाइव इंटू फाइव कितना हो जाएगा रूट ट्वेंटी फाइव, और रूट ट्वेंटी फाइव का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहूंगा तो वो कितना आएगा, उसका आएगा फाइव, ठीक है ना। तो अगर सेम डिजिट स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो हम
उसको स्क्वायर रूट के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नॉर्मली सीधा भी लिख सकते हैं। जैसे रूट फाइव इंटू रूट फाइव है तो मैंने डायरेक्ट आंसर फाइव दे दिया, रूट थ्री इंटू रूट थ्री सेम डिजिट है तो डायरेक्ट आंसर थ्री हो गया। तो ये होता है इसका मल्टीप्लाई पार्ट। अब इसके बाद में बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, यानी कि कई बार बच्चों को ये भी कंफ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन होता है कि डिवाइड होता है या नहीं। तो डिवाइड कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। सपोज कर लो मेरे पास रूट टेन बाय रूट टू है, तो यहाँ देखो टू से मैं टेन को कट कर सकता हूँ तो मैं इसे रूट फाइव लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर सपोज कर लो मेरे पास में रूट सिक्स बाय रूट टू है तो मैं टू से सिक्स को कट करके इसको रूट थ्री लिख सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। सपोज कर लो मेरे पास में रूट सिक्स बाय रूट फाइव है तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, फिर मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स समझ में आया होगा कि अपरिमेय संख्याओं की कैलकुलेशन क्या होती है, कुछ राइट डाउन करना है, नोट डाउन करना है, वीडियो पॉज कर लो, रिवर्स कर लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे इन्हीं दो रूल्स के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहा है टू साइन 45 डिग्री कोस 45। ये क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के आगे पीछे कुछ है, यानी कि नंबर है या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है और उनके बीच में कोई साइन नहीं है, मीन वो मल्टीप्लाई टर्म, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के साथ में जो एंगल वैल्यू दी हुई है, एंगल वैल्यू हमारे टेबल में है या नहीं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 0 डिग्री हमारा होता है, 30 डिग्री की वैल्यू टेबल में होती है, 45 डिग्री की वैल्यू टेबल में होती है, 60 डिग्री की वैल्यू टेबल में होती है और 90 डिग्री की वैल्यू भी टेबल में होती है। तो यहाँ पर हमारे पास में 45 डिग्री आ रही है, यानी इनकी वैल्यू हमारे पास टेबल में है। तो इसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं हिंट दे दूंगा कि हमने कहा साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 कहाँ से आई, अकॉर्डिंग टू टेबल। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 कहाँ से आई, अकॉर्डिंग टू टेबल। उसी तरह कोस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2, ये भी कहाँ से आई, टेबल, ठीक है ना। आप कॉमा लगाकर वैल्यूज को शो कर दीजिए, उसके बाद आप चाहें तो वैल्यूज को पुट कर दीजिए। अब जैसे कैसे करेंगे, 2 तो 2 तो 2 का आ गया और 2 और साइन के बीच में कोई कोई मार्ग नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई साइन है। अब साइन 45 डिग्री को मैं रिमूव कर रहा हूँ, साइन 45 डिग्री की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 1/√2। साइन 45 डिग्री की जगह क्या आ रहा है, 1/√2। फिर साइन 45 और कोस 45 के बीच में कोई मार्ग नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, और कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, वो भी हमने कहाँ से रिमूव की, टेबल से रिमूव की। अब चेक करो, सबसे पहले अपने गोडमास रूल के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, सो ब्रैकेट है ही नहीं तो छोड़ा, डिवाइड तो यहाँ डिवाइड हो तो रहा है लेकिन पूरा पूरा नहीं जा रहा, इसलिए इसको भी छोड़ा। थर्ड नंबर पर क्या है, मल्टीप्लाई, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले न्यूमरेटर यानी कि अंशों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिनोमिनेटर यानी कि हारों को करेंगे। तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो ये हो गया 2 बाय 2 × √2 = √2 को हम √4 भी लिख सकते हैं, और इसको आगे सॉल्व करें तो 2 × √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, तो 2 भी लिख सकते हैं और 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर क्या होगा कि 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 1, ये हमारा फाइनल आंसर। आई बात आपको समझ में। अब चेक करते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन जो मैंने यहां पर राइट डाउन कर रखा है वो है cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री और sin 60 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ से सबसे पहले जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें सबसे पहली चीज चेक करो, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के बीच में कोई मार्क नहीं, मतलब ये मल्टीप्लाई है, इधर भी दोनों के बीच में कोई मार्क नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, और बीच में क्या है, माइनस मार्क है। उसके बाद में चेक करते हैं इनके जो एंगल वैल्यू है, एंगल 45 डिग्री है, 60 है, 45 डिग्री है, 60 है, टेबल में है या नहीं है, बिल्कुल है, तो हम टेबल के हेल्प से इनकी वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, इन्हें इन टर्म्स को रिमूव करके इनकी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो पहले हम वैल्यूज पता करते हैं, वैल्यूज कितनी होती है,
cos 45 डिग्री की वैल्यू तो अभी पिछले सवाल में दी गई थी 1 बाय रूट 2, आप चाहें टेबल देखकर भी निकाल सकते हैं। cos 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1 बाय 2 होती है। sin 45 डिग्री की वैल्यू, sin 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाय रूट 2 होती है, कॉमा sin 60 डिग्री की वैल्यू, sin 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 बाय 2 होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ से आगे चलते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी वैल्यूज पे डाउट है तो आप अपनी टेबल देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं वैल्यूज टर्म्स को रिमूव करता हूँ, उनकी वैल्यूज को पुट करता हूँ। तो सबसे पहला आ रहा है cos 45, cos 45 की जगह 1 बाय रूट 2, फिर कोई मार्क नहीं है मतलब मल्टीप्लाई। फिर आ रहा है cos 60, cos 60 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 बाय 2। ये वैल्यूज कहाँ से आ रही है? ये सारी वैल्यूज आ रही है टेबल से। फिर माइनस मार्क है, माइनस आ गया, ठीक है। फिर sin 45, sin 45 की जगह मैं 1 बाय रूट 2 लिख सकता हूँ। फिर sin 60, फिर देख लो इनके बीच में कोई मार्क नहीं है तो मल्टीप्लाई। फिर sin 60, sin 60 की वैल्यू रूट 3 बाय 2। यहाँ तक क्लियर हुए? अब देखो अपने बोर्ड मास रूल को फिर से अप्लाई करते हैं। वैल्यूज रखने के बाद में बोर्ड मास रूल को अप्लाई करते हैं। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट है नहीं, डिवाइड तो देखो डिवाइड तो हो रहा है पर पूरा पूरा नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको छेड़ेंगे नहीं। अब क्या आ गया? मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई, जिन दो डिजिट्स के बीच में मल्टीप्लाई साइन है पहले उनको मल्टीप्लाई करना है। तो इन दो के बीच में मल्टीप्लाई है और इन दो के बीच में मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले अंश अंश को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 into 1 हो गया। फिर हर को करते हैं 2 into √2, हम इसे 2√2 राइट डाउन कर सकते हैं। माइनस यहाँ से आ गया। अब इन दोनों के पास में मल्टीप्लाई मार्क है इन दोनों के बीच में, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into √3 ये हो गया √3। फिर 2 into √2 2√2। क्लियर हो गए? अब यहाँ तक आने के बाद में ये भी भिन्न संख्या का रूप है, ये भी भिन्न संख्या का रूप है, तो इनको जोड़ने या घटाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है? लघुतम यानी इनके हरों को बराबर करना पड़ता है। तो इन दोनों के पास में एक ही डिजिट है दोनों के पास में, तो 2√2 आ गया। दोनों का हर एक ही है 2√2, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 2√2 ही आएगा। और हर बराबर है तो अंश में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो भी क्या आ गया? इसका 1 आ गया और इसका √3 आ गया। तो यहाँ हमारा ये फाइनल आंसर, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस √3 बाय 2√2। ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। कुछ राइट डाउन करना है तो प्लीज मुझे पोस्ट कीजिए और कमेंट कीजिए।